से पहले कि मैं हकीकत की तजारत सीखूं, इससे पहले कि मैं ताकत की इबादत सीखूं, इससे पहले कि हकाइक में खयानत सहाफत करते हुए उसके साथ वापस संयोग का होना चाहिए। सबसे पहले मैं कहूंगा कि जिसको आज मेरा मौजूद है परमावती बा आवाज तक पहुंचाने वाला होना चाहिए। इसके साथ साथ सबसे बजाज साहब की तरफ से मैं उस पर भी आऊंगा और मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। और सर हमें ऐसा प्रोडक्ट साहब से मिला है, ये जिला मुझे ये भी मुख्तसर इस बात ये कहूंगा कि मैं तरदील भी करता हूँ कि या काम कर रही है उसके लिए हमारे टैक्सेस से उनको पैसा जाता है, तो वो काम करती है, तो उनको काम जरूरी है। बहुत ही अच्छा इवेंट था और जो भी टॉपिक चुना था बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, वो मीडिया रिलेटेड है। देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया ने दुनिया को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, लेकिन वहीं सोशल मीडिया ने हम पर कुछ जिम्मेदारियाँ भी आई कि आपके एक ट्वीट से, आपके एक फेसबुक पोस्ट से, आपकी एक खबर से जो सही न हो उससे कितनों का नुकसान हो सकता है। आज जो यहाँ पर डिस्कशन हुई सब लोगों ने अपने अपने आरा बताई और सबका यही मानना था कि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, जिसका ये मतलब नहीं कि हर कोई जर्नलिस्ट है। सोसाइटी को भी डिसाइड करना होगा, जर्नलिस्ट को भी सोचना होगा कि वो फेक जर्नलिस्ट और जेन्युइन जर्नलिस्ट में फ़र्क देखे। ये सोसाइटी को देखना है, जिसको कोई चेंज न सरकार चेंज कर सकती है न कोई चेंज कर सकता है। सोसाइटी को जागना होगा, जो फेक अकाउंट्स चलते हैं और जो अफवाहें फैलाई जाती हैं उन पर कदगन लगनी चाहिए, कानून के लिए बने हुए हैं, लेकिन लोगों को रिपोर्ट करने चाहिए वैसे पोस्ट्स जो जो उनको लगता है कि कोई सहाफत के नाम पर उनको ब्लैकमेल कर रहा है या कुछ कर रहा है। सर मेरा आपसे सिंपल सवाल है, हु इज अ जर्नलिस्ट आर टू होम वी कॉल एज अ जर्नलिस्ट? देखिए जर्नलिस्ट वो है जिसको सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है, एजुकेशन दिया है, जिसको सरकार ने करके क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन होती है, तब जाके सरकार इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आपको जिसको आप एक्टिव जर्नलिस्ट कहते हैं, इज द जर्नलिस्ट। हर कोई जर्नलिस्ट नहीं है जिसके आपका मोबाइल है, वो जर्नलिस्ट नहीं है। हमने किया कश्मीर मीडिया कंक्लेव, जहाँ पे कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से और कश्मीर के मुख्तलिफ लोगों से हमने यहाँ की जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को इनवाइट किया और मकसद ये था कि आज हम बैठे यहाँ पे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्नलिस्ट एंड जर्नलिज्म, उसमें हम किस तरह से ये काम करें कि किस तरह से हम और कंट्रीब्यूट करें, किस तरह से हम सोसाइटी के लिए, कश्मीर के लिए, कश्मीर के नौजवानों के लिए और कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जहाँ पे हमारे नौजवानों के लिए कुछ बेहतरी हो। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, रिसेंटली वी हैव सीन फ्रॉम लास्ट आई थिंक फ्रॉम लास्ट 1 डिकेड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोपेगेंडा वी लॉस अप्रॉक्सिमेटली हंड्रेड्स ऑफ यूथ, क्योंकि उनको पता बोला कुछ और गया एंड लास्ट पेज उनकी जो जाने गई, they were expecting something else, kuch khwab dikhaye gaye and there were some people who were justifying, who were you know glorifying those things and just because of un cheezon ki wajah se, un incidents ki wajah se yahan ki awam ko, yahan ke naujawanon ko us cheez ka khamiyaza uthana pada. So that's why we are here, ki that when we are talking about news, when we are talking about journalists, at least we should understand this thing that hamare jo viewers hai, hamare jo yahan ke log hai, wo kya dekh rahe hain, wo kab farak kare, ki wo kaise farak kare कि एक फेक न्यूज़ में फ़र्क कैसे, हम कैसे आइडेंटिफाई करें फेक न्यूज़ को और रियल न्यूज़ को कैसे वो आइडेंटिफाई करें,